Also. No, Lindsay. मेरे शहर कराची में दिन और रात की गहमा गहमी आकर देखो मेरे शहर कराची में चलता है थिएटर और कवाली आकर देखो मेरे शहर कराची में चलता है रिक्शा झलके से वो बेखबर अचानक से फिसल गए समंदर उदास हुआ मछलियों ने ये कहा और आपका भला हो, ये एम्प्रेस मार्केट है। यहाँ पर एक कदीम और तवील हिस्ट्री भी है, पुरानी बिल्डिंग्स और पुराने टाइप का ट्रैफिक। बाबा इतनी पुरानी होने के बावजूद इसकी शान देखो, इसकी खूबसूरती देखो। उठे मिलदा की है वो सब कुछ सही, सब कुछ, फ्रूट से लेकर सब्जी, कपड़ा से लेकर बिल्ली बंदर। क्वीन विक्टोरिया एम्प्रेस ऑफ इंडिया के नाम पर रखी गई थी। एम्प्रेस मार्केट ना बाबा कराची शहर का सबसे पुराना बाजार है। आप कराची आओ और एम्प्रेस मार्केट ना जाओ। नॉट इम्प्रेसिव। बिल्डिंग की है ये हबीब बैंक प्लाजा है। जब लियो डाले ने इस बिल्डिंग का आर्किटेक्चर, प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन खत्म किया था ना, तो हबीब बैंक प्लाजा की सबसे टालेस्ट बिल्डिंग थी ये। 1963 की बात करता हूँ मैं साईं। आज ये बिल्डिंग कराची की ऊंची चौथे नंबर पर है। क्वाइट टॉल है ना। और ये देखो भाई, कायदे आजम का मजार आ गया।
यहाँ पर हमारा कायद मोहम्मद अली जिना, उनकी बहन और मादरे मिल्लत फातिमा जिना और अपना पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान की कब्रें मौजूद हैं। ये इलाका बाबा जमशेद क्वार्टर कहलाता है। ए मजार कदो बनिया? 1960s की बात है ये। लाखों लोग आते हैं बाबा, यहाँ लाखों बाबा बच्चे आते हैं यहाँ जानने के लिए कि कितना कुछ हमने गवाया है इस मुल्क की खातिर। वाह वाह। हाँ तो दोस्तों, आज कुछ मजेदार सीखें। क्या आप अपनी किताब लेकर आ गए हैं? तैयार है तो चलें। आज हम जमा यानी के एडिशन सीखेंगे। जमा को अंग्रेजी में एडिशन कहते हैं। जब दो या दो से ज्यादा चीजों की तादाद मालूम करनी हो तो हम जमा या एडिशन का इस्तेमाल करते हैं। जमा में दो सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, प्लस और इक्वल। प्लस और इक्वल। हाँ तो दोस्तों, आज कुछ मजेदार सीखें। क्या आप अपनी किताब लेकर आ गए हैं? तैयार है तो चलें। लिहाजा सवाल या प्रॉब्लम को पढ़ने का तरीका कुछ यूं होता है। 1 + 1 = 2 1 + 1 = 2 या फिर हम कह सकते हैं 1 + 1 = 2 1 + 1 = 2 हम अपनी उंगलियों की मदद से एडिशन भी कर सकते हैं। अगर सवाल हो कुछ यूं, 3 + 2 तो आप ऐसे जवाब देख सकते हैं, 1, 2, 3 एक हाथ पर और 1, 2 दूसरे हाथ पर। 7 गिने, 1, 2, 3, 4, 5 यानी के 3 + 2 बने 1, 2, 3, 4, 5 5 कितना मजा आ रहा है ना? चलें दोबारा कोशिश करते हैं। 1 + 3 बनता है क्या? 1 + 1 = 3 1, 2, 3 से बनता है 1, 2, 3, 4 यानी कि 1 + 3 बने 1, 2, 3, 4 4 1 + 3 बने 4
3 प्लस 2 तो आप ऐसे जवाब देख सकते हैं 1 2 3 एक हाथ पर और 1 2 दूसरे हाथ पर साथ गिने 1 2 3 4 5 यानी के 3 जमा 2 बने 1 2 3 4 5 5 हाँ तो दोस्तों आज कुछ मजेदार सीखें क्या आप अपनी किताब लेकर आ गए हैं तैयार हैं तो चलें तो आज हम क्या सीखेंगे आज हम जमा यानी के एडिशन सीखेंगे जमा को अंग्रेजी में एडिशन कहते हैं जब दो या दो से ज्यादा चीजों की तादाद मालूम करनी हो तो हम जमा या एडिशन का इस्तेमाल करते हैं जमा में दो सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है प्लस और इक्वल प्लस और इक्वल हाँ तो दोस्तों आज कुछ मजेदार सीखें क्या आप अपनी किताब लेकर आ गए हैं तैयार हैं तो चलें तो आज हम क्या सीखेंगे आज हम जमा यानी के एडिशन सीखेंगे जमा को अंग्रेजी में एडिशन कहते हैं जब दो या दो से ज्यादा चीजों की तादाद मालूम करनी हो तो हम जमा या एडिशन का इस्तेमाल करते हैं जमा में दो सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है प्लस और इक्वल प्लस और इक्वल